आज पवन सिंह का गाना और खेसारी लाल यादव का गाना यानी दोनों स्टारों का गाना शतक लगा दिया है, इसी के बारे में आप सभी को बहुत ही बड़ी खबर देने वाला हूँ इस वीडियो में। हाँ तो दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहें और जो लोग मेरे चैनल को भी तो सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग कर लें, क्योंकि हमारे चैनल पर भोजपुरी का हर खबर सबसे पहले आता है। चलिए सबसे पहले बातचीत कर लेते हैं पवन सिंह के गाने के बारे में। जिस गाने का नाम है हरी हरी उड़ानी, इस गाने को रिलीज किया गया था 4 महीने पहले और इस गाने को अब तक भोजपुरी दर्शकों द्वारा 200 मिलियन देखा जा चुका है और 16 लाख लाइक मिला है इस गाने पे। और पवन सिंह का ये गाना टॉप म्यूजिक वीडियो में भी 8 नंबर पे बना हुआ है और सिर्फ एक चैनल का व्यूज आप सभी को बताया हूँ। हाँ तो दोस्तों अभी का बड़ी खबर है कि पवन सिंह का गाना हरी हरी उड़नी 200 मिलियन वाला क्लब में शामिल हो चुका है। वहीं आज खेसारी लाल यादव जी का भी एक गाना शतक लगा दिया है जिस गाने का नाम है तबला। इस गाने को 4 महीने पहले रिलीज किया गया था और इस गाने पे 100 मिलियन व्यूज क्रॉस हो चुका है और 12 लाख लाइक भी मिल चुका है, जो कि आप लोग स्क्रीन में भी देख सकते हैं। और ये भी गाना टॉप म्यूजिक वीडियो में 38 नंबर पे बना हुआ है और आज खेसारी लाल यादव जी का ये भी गाना 100 मिलियन वाला क्लब में शामिल हो गया। हाँ तो दोस्तों आज पवन सिंह का गाना 200 मिलियन वाला क्लब में शामिल हुआ है, वहीं आज खेसारी लाल यादव जी का गाना 100 मिलियन वाला क्लब में शामिल हो चुका है और दोनों स्टारों ने आज लगा दिया बड़ा शतक। हाँ तो दोस्तों ये बहुत ही बड़ा अपडेट था और इसके बारे में बहुत सारे भाई लोगों का कमेंट आ रहा था वीडियो बनाने के लिए, इसलिए हमने ये वीडियो बनाया। हाँ तो दोस्तों हमारे इस वीडियो को आप लोग पूरा जरूर देखिएगा, तभी आप लोगों को पूरी बात समझ में आएगी। और दोस्तों भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह और भोजपुरी के दबंग स्टार खेसारी लाल यादव जी का वीडियो पसंद आया तो ज्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।